खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपने कई पोस्टर्स लॉन्च किए। इन पोस्टरों में नारा लिखा है, अब होगा न्याय। कांग्रेस ने इस बार गरीबों को 72,000 सालाना देने का जो चुनावी वादा किया है, उसी वादे को न्याय नाम की योजना से जाना जाता है। वहीं अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के कुछ चुनावी पोस्टर्स भी सामने आए और इन पोस्टर्स में अब होगा न्याय का नारा लिखा हुआ है। कांग्रेस के अलग अलग पोस्टर्स में किसानों को फसल का सही दाम देने, मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार देने और 12वीं तक सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने जैसे वादे किए गए हैं। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, गरीबी पे वार 72,000, अब होगा न्याय, 150 दिन मनरेगा की गारंटी, अब होगा न्याय, स्टार्टअप करें परमिशन की जरूरत नहीं, अब होगा न्याय, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, अब होगा न्याय, किसान को मिलेगा फसल का सही दाम, अब होगा न्याय, सरकारी अस्पताल होंगे बेहतर, जांच और इलाज दोनों होंगे मुफ्त, अब होगा न्याय, एक सरल जीएसटी हर दुकानदार और व्यापारी के लिए, अब होगा न्याय, 12वीं तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त, अब होगा न्याय, 24 लाख सरकारी नौकरियां 31 मार्च 2020 तक, अब होगा न्याय, क्योंकि कांग्रेस और न्याय दोनों बराबर हैं और इस देश को चाहिए न्याय। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज एक गाना भी लॉन्च किया। इस गाने में भी न्याय की बात कही गई है। इस गाने में कांग्रेस का नारा है, अब होगा न्याय। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस गाने के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी। आयोग ने गाने की कुछ लाइनों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात कही थी, लिहाजा उन लाइनों को हटा दिया गया है। तो 2019 चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना नारा पोस्टर्स के साथ आज जारी किया। वहीं चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने ऑफिशियली अपना गाना भी आज लॉन्च कर दिया। दोनों में ही अब होगा न्याय की बात कही गई है। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान।